नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ये प्रश्न निश्चित ही आपको लाभ पहुँचाएंगे एग्जाम में। तो जो लोग भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, देवनागरी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दो, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 18। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लेख भाषा का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा की न्यूनतम मूलभूत इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ध्वनि चिन्ह। अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ध्वनि चिन्हों के संयोग से भाषा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, द्वित्व ध्वनियों का लोप हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण में व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मानक भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मानक। अगला प्रश्न है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नासिक। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की भाषा हिंदी और लिप देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 343 अनुच्छेद में। अगला देखते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्रकृति से। अगला देखते हैं, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा
ऑप्शन सी 15। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मॉरिशस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भाग 17 में। अगला प्रश्न है, हिंदी के वर्ण हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी आ से लेकर ह तक। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 60 करोड़ से अधिक। अगला है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 52। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 11। अगला देखते हैं, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला है, छ त्र ज्ञ और स्र ए कहे जाते हैं, तो इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही विकल्प होगा देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, व्याकरणों में ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 5 भेद बताए हैं। अगला है, जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए घोड़ा। अगला है, हरियाली है, तो हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। अगला है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जो नहीं है ऑप्शन ए अफ्रीकी। अगला प्रश्न है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, पूरब दिशा किसका रूप है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। अगला है, घी कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है, हृदेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हृदेश। अगला है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अंगूर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। अगला प्रश्न है, आकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुलिंग। अगला प्रश्न है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी संबोधन कारक है। अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन होगा, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए चिड़िया। अगला प्रश्न है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में
कौन सा कारक है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, करण कारक। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्णों में से कौन ऊष्म वर्ण है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बड़ा सा। तो यहाँ पे 50 प्रश्न हिंदी के महत्वपूर्ण आपके पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दो बार ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।